अभी हम लोग पहुंच गए एकदम कपिल मुनि आश्रम पे। सब लोग यहाँ पे नहा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं हूँ सियालदह स्टेशन पे। आज हम लोग जाएंगे गंगा सागर। ये हम लोगों का ट्रेन खड़ा है जो कि सियालदह नामखाना लोकल, ये दोपहर के 1:20 को छोड़ेगी। ये ट्रेन पकड़ के हम लोग उतरेंगे काकदीप स्टेशन पे। फिर काकदीप स्टेशन पे उतर के हम लोग एक टोटो पकड़ के जाएंगे लॉट नंबर 8 जेटी घाट। काकदीप स्टेशन टू लॉट नंबर 8 जेटी घाट तक का जो टोटो फेयर है वो है 20 रुपये करके पर पर्सन। हम लोग अभी आ गए लॉट नंबर 8 जेटी घाट पे। लॉन्च से उस पर जाने के लिए हम लोग अभी लाइन पे खड़े हैं। शाम के 4:30 बजे का लॉन्च हम लोग पकड़ेंगे। अभी हम लोग लॉन्च पे चढ़ गए। लॉन्च का फेयर है 9 रुपीज़ करके पर पर्सन। ये लॉन्च का जेटी घाट के आगे ही टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको ये टिकट खरीदना पड़ेगा। ये लॉन्च टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। हर एक दिन इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है और लॉन्च का टाइमिंग जो है वो एक दिन पहले इंटरनेट पे पब्लिश होता है। आप लोग अगर प्लानिंग करेंगे तो एक दिन पहले इंटरनेट पे लॉन्च का टाइमिंग देख लीजिएगा और आपका फ़ोन में एक ऐप है गंगा सागर ऐप, ये डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लॉन्च का टाइमिंग नेक्स्ट डे का क्या है, उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अभी जनवरी का टाइम है और अभी ठंड पूरी तरह से गए नहीं। आज का डेट है 22 जनवरी। हर साल इसी टाइम पे गंगा सागर पे पौष संक्रांति का मेला लगता है जो कि 1 हफ्ता 10 दिन तक ये मेला रहता है। अभी मेला ख़त्म हो गया है लेकिन अभी भी भक्तों का आना जाना लगा है, जिसके वजह से लॉन्च पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लॉन्च से जाने के टाइम पे आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देगा। गंगा सागर एक तीर्थ स्थान के नाम पे जाना जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे जगह से लोग आते रहते हैं। मेरे साथ बच्चे और बुज़ुर्ग भी हैं और सुबह सुबह अगर हम लोग निकलते घर से तो फिर उनको ठंड लगने का चांसेस था, जिसके वजह से हम लोग थोड़ा सा देर घर से निकले और बहुत आराम से यहाँ तक पहुँच गए। अभी उस पार घाट दिखाई दे रहा है, वहीं पे ही हम लोग जा रहे हैं। फिर वहाँ से एक मैजिक वैन या फिर बस पकड़ के हम लोगों को जाना होगा गंगा सागर कपिल मुनि आश्रम पे। लॉन्च से उतरने के बाद हम लोगों ने थोड़ा खाना खाया, फिर आ गए बस स्टैंड पे। यहाँ पे बस, प्राइवेट कार और मैजिक कार और ऑटो का भी बंदोबस्त है। मेरा इच्छा है कि हम लोग शेयरिंग जो मैजिक कार है उसी से जाएंगे, जिसका प्राइस है 50 रुपये करके पर पर्सन बस स्टैंड तक, और अगर अंदर कपिल मुनि आश्रम तक जाएंगे तो 60 रुपये करके लगेंगे। हम लोग रुके हैं भारत सेवा आश्रम में। यहाँ पे रूम का रेंट लिया 400 रुपये 3 बेड का। रूम दिखता हूँ आपको, ये रूम है, ये आगे ये मंदिर है और मेन एंट्रेंस पे आपको कूपन काटना पड़ेगा। वहाँ पे स्वामी जी बैठा हुआ है। ये है
चादर और ये कंबल है। इधर बंकर भी है। गेट खोलना पड़ेगा। कल रात को ठीक से दिखा नहीं पाए थे, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। हम लोग रुके हैं भारत सेवाश्रम में। ये भारत सेवाश्रम का मंदिर है। कुछ दिन पहले यहाँ पे पोष संक्रांति का मेला लगा था। अभी मेला ख़त्म हो गया इसलिए क्राउड थोड़ा कम है। हम लोग जिस रूम पे रुके थे ये है। इस रूम का फेयर लिया 400 रुपये। यहाँ पे खाने का बंदोबस्त भी है। अगर आपको खाना है तो आपको कूपन काटना पड़ेगा, 40 रुपये करके लगेगा। और सुबह 7 से 8 बजे के बीच में कूपन लेना होगा। उसके बाद अगर जाएंगे तो कूपन नहीं मिलेगा। और फिर दोपहर के 12 बजे तक आपको प्रसाद मिल जाएगा। ये भारत सेवाश्रम मंदिर है। ये स्वामी जी का फोटो है। यहाँ पे शाम को आरती होता है। शाम को जब हम आए थे कल, यहाँ पे आरती हो रहा था। अभी इसी गेट से हम वापस जाएंगे और फिर कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। फिर वहाँ से सागर दर्शन करके हम लोग वापस लौट जाएंगे। ये भारत सेवाश्रम संघों का गेट है। हम लोग इस रास्ते से आए थे कल और अभी हम लोग कपिल मुनि आश्रम जाएंगे इस रास्ते से। भारत सेवाश्रम जो धर्मशाला है, अभी हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट कर लिया है। वहाँ का चेकआउट टाइम है 10 बजे। अभी हम लोग जा रहे हैं कपिल मुनि के आश्रम के तरफ। ये सीधा रास्ता उसी तरफ जा रहा है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा नाश्ता कर लिया। खाने में बहुत कुछ ही था लेकिन हम लोगों ने पिटाई परोठा खाया है जो कि 100 ग्राम का 15 रुपये लेता है। हम लोग पैदल जा रहे हैं। आप चाहे तो टोटो से भी जा सकता है। सब लोग टोटो से जा रहे हैं। टोटो का फेयर है 15 रुपये। टोटो स्टैंड से थोड़ा सा चल के भारत सेवाश्रम संघ है और उससे थोड़ा सा चल के कपिल मुनि आश्रम है। तो हम लोगों ने भारत सेवाश्रम में रुका इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे आके रुके हैं, जिसके वजह से हम लोगों को टोटो लेना नहीं पड़ा। ये नज़दीक है आश्रम से। अभी पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम के एकदम नज़दीक। यहाँ पे ग्रहराज का मंदिर है। इधर है कपिल मुनि आश्रम।
इधर में खाने का दुकान भी है सारा। ये लेफ्ट साइड से हम लोग आए थे। अभी मेला ख़त्म हो गया लेकिन काफ़ी भीड़ है। इधर में सब बाबाए हैं। ये लोग बैठा हुआ है अपना दुकान खोल के। अभी हम लोग पहुंच गए एकदम कपिल मुनि आश्रम पे। यहाँ पे पूजा देने के लिए डाला ख़रीदना होगा, तो ये सामने डाला हाउस है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। वहीं से एक डाला लेंगे फिर पूजा देंगे। अभी देखता है कि डाला कितना करके लेता है। इधर टोटो भी है मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ पे डाला हाउस है। अभी हम लोग पूजा देने के लिए लाइन में खड़े हो गए। ज़्यादा लंबा लाइन नहीं है। पूजा का डाला भी हम लोगों ने खरीद लिया। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये डिफरेंट प्राइस के हैं, तो हम लोगों ने 100 रुपये का डाला लिया। अभी यहाँ से पूजा देंगे, उसके बाद सागर की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने पूजा दे दिया है। ये मेन मंदिर है। अदर स्टेट से बहुत सारा लोग आए हैं। ये मंदिर के अंदर का व्यू है। यहाँ पे बहुत सारा भगवान के मूर्तियाँ है। अभी हम लोगों ने पूजा दे दिया। अभी सागर की तरफ जा रहा है। जिस दुकान से हम लोगों ने अपना डाला ख़रीदा था वहीं पे अपना जूता रखे थे, तो अभी वो डाला पैक कर लिया और जूता भी पहन लिया। अभी ये जो रास्ता है ये सीधा जाएगा सागर की तरफ। आप लोग चाहे तो टोटो से भी जा सकते हैं। टोटो का फेयर है 10 रुपये।
आपको इस मंदिर से सागर तक छोड़ देगा। और रास्ते में आपको ये सुंदर नज़ारा मिलेगा, देखिए ये सामने मूर्ति रखा हुआ है। बहुत से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे लोग आए हैं। अभी मेला ख़त्म हो गया है, आज का डेट है 23 जनवरी। ठीक है, मेला लगा हुआ था, अभी मेला ख़त्म हो गया तो ये लोग सब अपना पैकिंग कर रहे हैं। उधर दूर एक विंड मिल भी दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर गंगा सागर पे आए तो गंगा सागर का जो मेन जहाँ पे सब लोग स्नान करता है वो इस साइड पे है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा पैदल चल के थोड़ा सा दूर अगर यह आ जाए तो यह आपको समंदर का मज़ा भी मिलेंगे। देखिए ये देखिए यहाँ पे समंदर के जैसा आपको फीलिंग्स आएगा। देखिए यहाँ पे लहर भी काफ़ी ज़्यादा है। और अच्छे से आप नहा भी पाएंगे। समुंदर के किनारे आने से एक अलग ही मज़ा आता है, चाहे कितने बार भी आओ लेकिन हर बार एक नया एक्सपीरियंस होता है। देखिए यहाँ पे पानी का लहर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है ठीक ठाक है। यहाँ के रेत थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का है। सब लोग यहाँ पे नहा रहा है। अगर आप लोग समुंदर में नहाना चाहते हैं बौखली के अलावा गंगा सागर पे भी आ सकते हैं। इसमें आपको एक साथ एक यहाँ पे स्नान भी अच्छा करने को मिलेगा और आप यहाँ पे जो कपिल मुनि जी का आश्रम है वो भी आप दर्शन कर पाएंगे। और एक पुण्य तीर्थ स्थान है जिसके वजह से ये आपको दोनों तरफ से फायदा होगा। अभी पानी लगता है ज्वार के वजह से ज़्यादा है, हर टाइम ऐसा होगा कि नहीं थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। बखली के समुंदर के पानी से ज़्यादा यह का पानी है और यहाँ पे समुंदर का लहर भी ज़्यादा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अभी इसका कारनामा देखो क्या कर रहा है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं, और मेरे साथ मेरा वाइफ, मेरा बेटा और माँ भी आया है। तो हम सभी लोग इस जगह को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो हर एक जगह की तरह यहाँ पे भी एक स्पेशलिटी मैंने ढूंढ के निकाला है, और वो स्पेशलिटी है कि यहाँ के समुंदर के साथ आपको गंगा माटी भी एक साथ ही मिलेगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए, यहाँ के समुंदर के रेत भी आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको गंगा माटी भी मिलेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम आए, दो दिन रुके, अभी अलविदा कहने का वक्त आ गया। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और दोपहर का लंच करेंगे, फिर हम एक शेयर कार पकड़ के जाएंगे जेटी घाट, जो तकरीबन एक घंटा लगेगा। फिर वहाँ से लॉन्च पकड़ के जाएंगे लॉट नंबर 8। लॉन्च का भी कम से कम 45 मिनट लगेगा, और फिर वहाँ से एक टोटो पकड़ के जाएंगे काकदीप स्टेशन, फिर काकदीप स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, शाम का ट्रेन पकड़ के जाएंगे सियालदह। चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगा किसी नया जगह में, तब तक के लिए अलविदा। हम लोग टोटो में बैठ गए, अभी सागर से सीधा बस स्टैंड के तरफ जाएंगे।